A very good morning to all of you. Today we are going to start our new topic, which is Nature and Theories of Intelligence. In this chapter, we are going to study about the nature and the theories of intelligence. Psychological testing help in the measurement of individual differences in intelligence. Psychological testing जो होती है वो हमको किस चीज़ में help करती है? Measurement of individual differences, यानी individual differences को measure करने में in intelligence में, okay? Measurement and analysis of this complex mental process has continued to be the most important and widespread sort of psychological testing. The intelligence is a very common word. Intelligence क्या है? बहुत common word है. Every day we hear our parents, teachers and others to discuss about the students that so and so is more intelligent in his class, school or family than his other friends and neighboring children. Which means कि every day हम हर दिन ये सुनते हैं कि हमारे जो parents होते हैं, teachers होते हैं या other लोग होते हैं, वो एक student के बारे में ये discuss करते हैं कि ये बच्चा क्या है, इससे ज़्यादा intelligent है, यानी कि comparatively वो शायद अपने classmates से ज़्यादा intelligent है या अपने friends से ज़्यादा intelligent है या अदर्स से, ठीक है? सो यहाँ पे कहने का मतलब है कि इंटेलिजेंस एक बहुत कॉमन वर्ड है जो एवरी डे हम अपने लाइफ में सुनते हैं, बट इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू नो एंड एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट व्हाट इट एक्चुअली इज़. लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या होगा हमारे लिए टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना कि एक्चुअली है क्या. डिफरेंट पीपल यूज डिफरेंट कनोटेशंस हैविंग डिफरेंट मीनिंग ऑफ द टर्म इंटेलिजेंस. इट इज़ अबाउट 80 ईयर्स अगो व्हेन द फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस वॉज कंडक्टेड. सी, जो इंटेलिजेंस वर्ड है वो बहुत कॉमन है और एवरीडे हम इसको सुनते हैं, बट व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, जब हम इसको एक्सप्लेन करने जाते हैं, सो इट इज़ अ लिटिल हार्ड फॉर अस एंड एवरीवन टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस. 80 ईयर्स पहले जो है इस पे एक इंटेलिजेंस का टेस्ट हुआ था. सिंस देन एफर्ट्स हैव बीन मेड टू डेवलप अ कॉमन कॉन्शियस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस. P.B. Ballard aptly quoted about intelligence. While the teacher try to cultivate intelligence and psychologist tried to measure intelligence, nobody seemed to know what was intelligence. Actually, this is the fact. Vernon has also given the same version of the problem as although psychologists have been measuring intelligence for over 40 years, they have failed in reach any agreed definition as to what it is they are measuring. साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, सी वो इस पर बहुत पहले से वर्क कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए बहुत सारे टेस्ट किए, इंटेलिजेंस के टेस्ट बनाए इंटेलिजेंट वर्ड का मीनिंग निकालने के लिए कि एक्चुअली ये है क्या और किस तरीके से हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस. वेबस्टर्स न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी डिफाइंस इंटेलिजेंस एज द कैपेसिटी फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग स्पेशली एज अप्लाई टू द हैंडलिंग ऑफ न्यू सिचुएशंस. The power of meeting a novel situation successfully by adjusting one's behavior to the total situation. For example, जैसे हम अपने everyday की life में देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने atmosphere में adjust करते हैं, कैसे कैसे हमारी नई situations आती हैं तो उनको हम face करते हैं, किस तरीके से हमारा behavior किसी के लिए भी या एक situation के लिए निकल के बाहर आता है. So इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक factor होता है, वो है हमारा intelligence, यानी कि उसी के basis पे हम क्या करते हैं, we behave, we react, वी गिव आवर responses ऑन द बेसिस ऑफ आवर इंटेलिजेंस, यानी कि हम अपने दिमाग अपने समझ के अकॉर्डिंग किसी भी सिचुएशन एनवायरमेंट एटमोसफियर रिएक्शन किसी भी चीज़ के लिए रिएक्ट करते हैं, अपना एक रिस्पॉन्स बाहर निकालते हैं. डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड इंटेलिजेंस इज द वे ऑफ एक्टिंग. अकॉर्डिंग टू टर्मन इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. अकॉर्डिंग टू बिने comprehension, invention, direction and criticism, intelligence is contained in these four words. According to Pinter, intelligence is the ability of the individuals to adapt himself relatively new situations in life. According to Ross, conscious adaptation to new situations. According to Thorndike, the power of goal responses from the point of view of truth or fact. So intelligence is apparently an explanation for the differences we observe among people in their capacity for learning, in their remembering, in their problem solving, etc. हर चीज़ से पता चलता है कि आप कितना problem solve कर सकते हो, आप कितने intelligent हो, कितनी चीज़ों को आप सीख सकते हैं, आपने कितनी capacity है किसी चीज़ को सीखने की. ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, हमारे intelligence से. Now
Let's have a look on the characteristics of intelligence. What are the characteristics? Intelligence is inherent power obtained through heredity. ये हमारे inherent power होती है जो हमारे heredity से आती है. Intelligence is the capacity to learn. Intelligence क्या है? Capacity है किस चीज़ को सीखने को, learn करने को. की intelligence is the efficiency to gain advantages from previous experiences. एक efficiency है जो कि हमें क्या करता है, जो हम gain करते हैं advantages, फ़ायदों को, अपने एडवांटेजेस को, प्रॉफिट को, फ्रॉम अपने प्रीवियस के एक्सपीरियंसेस से, यानी पहले के एक्सपीरियंसेस से. नंबर फोर, इट इज ओनली थ्रू इंटेलिजेंस वी कैन क्योर वेरियस हर्डल्स एंड पेव आवर वेज टुवर्ड्स सक्सेस. यानी कि हर्डल्स को क्या करते हैं, उस पर हम जीतने की कोशिश करते हैं, उसको उससे आगे बढ़ने की और सक्सेस के तरफ जाते हैं. इंटेलिजेंस द ग्रुप ऑफ डिफरेंट अबिलिटीज. इंटेलिजेंस के ग्रुप ऑफ डिफरेंट अबिलिटीज का ग्रुप है. The knowledge gained through intelligence may be used under change circumstances. जो भी हम अपने intelligence से सीखते हैं, तो जब circumstances यानी situations या conditions, बदलती conditions में वो क्या होता है, use होता है. Intelligence is different from knowledge. Intelligence knowledge से क्या है, different है. Intelligence help in self-evaluation में help करता है. Intelligence helps in understanding of solution and instigate the mind to take proper decision. Intelligence हमको help करता है कि हम solution को समझ सकें और instigate कर सकें अपने mind को, जिससे कि वह एक proper decision को ले सकें. Intelligence is universally approved ability. Intelligence develop the power to distinguish the object and evaluate the work. Intelligence हमको develop करता है हमारे अंदर एक power, जिससे हम distinguish कर सकें किस चीज़ को, object को, और evaluate कर सकें work को, यानी कि डिफरेंस कर सके, समझ सके ऑब्जेक्ट्स को. इंटेलिजेंस बिकम फुली डेवलप बाय द एज ऑफ एडोलेसेंस. इंटेलिजेंस कब डेवलप हो जाता है, एडोलेसेंस के बाद फुली डेवलप हो जाता है. देर आर सम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस. यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बताया अलग अलग थ्योरी इंटेलिजेंस का. जैसे बिने ने बताया यूनिफैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन बाय फैक्टर थ्योरी, थॉमसन सैम्पलिंग थ्योरी, थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी, बर्न्ट एंड विमॉन हायरार्किकल थ्योरी, गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलेक्ट. सो दीज सिक्स आर द इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस विच इज गिवन बाय द साइकोलॉजिस्ट बीनी, स्पीयरमैन, थॉमसन, थर्स्टन, बर्न्ट एंड विमॉन गिलफोर्ड. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स ईजिली, ऑल द गिवन टॉपिक्स ईजिली. That's all for today. Else we are going to discuss in our next video. Thank you so much.